मैं जहां जिले के अंतिम छोर पर उड़ीसा सीमा से लगे देवभोग इलाके में किसान ज्यादा परेशान हो गए। दरअसल नाराज किसानों ने शुक्रवार को रायपुर देवभोग नेशनल हाईवे 130 सी को 14 घंटे जाम रखा। किसानों का दावा है कि इलाके की 8 समितियों में बारदाने की कमी के कारण बीते एक सप्ताह से धान खरीदी बंद है। अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी तो उन्हें मजबूरन चक्का जाम करना पड़ेगा। 14 घंटे बाद किसानों ने इस शर्त को चक्का जाम हटाया। रात भर में किसान प्रशासन सभी 8 समितियों में बारदाना भेजकर धान खरीदी शुरू करें और समिति प्रबंधकों और ऑपरेटरों के तबादले निरस्त करें, अन्यथा कल से वह फिर चक्का जाम करेंगे। हालांकि मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तय सीमा में व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया है। किसानों के चक्का जाम में बीजेपी ने भी साथ दिया है। प्रदर्शन सरकार के नाकामी के विरोध में रहा। आज जो धान खरीदी है इस तरह से बाधित है, कहीं पे 15 दिन हो गया किसी संस्था में, किसी संस्था में 7 दिन हो गए बारदाना के अभाव में धान खरीदी नहीं हो पा रही है, जिससे किसान आक्रोशित होकर के स्वयं में इसके पहले ही 2 दिन पहले बैठना वाला थे, आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने प्रदर्शन कार्य से मुख्य रूप से मांगे थे कि बारदाना जो फसल जो सभी समय पर पर्याप्त मात्रा में कराई जाए। 24 कड़ी में लगभग 30 में बारदाना पहुंच गया है और हमने बारदाना व्यवस्था करवा रहे हैं तो संभवता कल तक और उपलब्धता हो जाएगी।